हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डाइस जेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्तावालम और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। एक्चुअल में दोस्तों, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को 5 फरवरी सन 2019 को 10th क्लास का प्रैक्टिकल साइंस का बनाकर दे दूंगा। तो वादे के मुताबिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बना के दूंगा, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रैक्टिकल के लिए तैयार कर दी है। तब आप जो है करेंगे क्या कि आपको एक प्रैक्टिकल की फाइल लेनी है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक वैसे ही करना है। जो भी मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा उसको फॉलो करना है और आप लोग जो है अपना प्रैक्टिकल फाइल बना पाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए बच्चों को दो चार बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहला तो ये कि कभी भी प्रैक्टिकल फाइल की कॉपी नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे करते क्या है कि मैंने मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाई और उसको आप लोगों ने कॉपी कर लिया। उससे क्या होगा कि जब भी आप लोगों का सेंटर पड़ेगा तो मैं भी अपनी वो प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगा और आप लोग भी वो प्रैक्टिकल फाइल दिखाएंगे। जब एग्जामिनर ये देखेगा कि हर बच्चे का जो प्रैक्टिकल फाइल है वो एक जैसा है, तो अफकॉन्सली वो समझ जाएगा कि सभी ने जो है एक दूसरे में से नकल मार के किया है और वो आप लोगों के मार्क्स जो है वो कम कर देगा। प्रैक्टिकल के जो नंबर होते हैं वो टीएमए के नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि टीएमए के नंबर आपके जब ही जोड़े जाएंगे जब आप प्रैक्टिकल के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लोगों ने, कई बच्चों ने देखा होगा कि टीएमए के अंदर जो है 20 में से 19 नंबर लेके आ गए, लेकिन जब वो एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते हैं तो उनको वो देख पाते हैं कि भाई वो उस सब्जेक्ट में फेल है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने साइंस में 20 में से 19 नंबर टीएमए में ले लिए, लेकिन आप जो है फिर भी फेल हैं। 80 में से आपको नंबर दिए गए 10, 19 में से आपको नंबर दिए गए 19 और इस तरीके से आपको कर दिया गया फेल। तो आप जितना मर्जी अच्छा टीएमए लिख लीजिए, नंबर ले लीजिए स्कूल वालों से पैसे दे के, चाहे फ्री में अपनी मेहनत से, लेकिन फिर भी आप फेल हो जाएंगे। उसका सबसे मेन कारण टीएमए होता है। एक्चुअल में बच्चे करते क्या है, वो टीएमए एक जैसा बना लेते हैं, वो जमा करवा देते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं वो जमा करवा देते हैं। अब प्रैक्टिकल क्या होता है, आपसे एग्जामिनर एनएएस ओपन का जो इंचार्ज होता है वो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, टीएमए से रिलेटेड भी पूछेगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछेगा। अगर आप उसका उत्तर सही से दे पाते हैं तो आपको टीएमए प्लस प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी सभी के नंबर मिलाकर आपको पास कर देगा। अदरवाइज आपके प्रैक्टिकल में नंबर कम कर देगा, थ्योरी में नंबर कम कर देगा और आप टीएमए में लेते रहिए 20 में से 19 नंबर, कोई मायने नहीं रखता। फिर बच्चे कहते हैं कि हमने लिखा भी बहुत अच्छा था, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा किया था, टीएमए बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम फेल हो गए। क्यों? क्यों का कारण मैं आपको बता चुका कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल एक जैसा बनाया था, जैसा बनाना चाहिए था वैसा आप लोगों ने प्रैक्टिकल तैयार नहीं करके दिया, इसलिए आप लोगों को टीएमए में पास कर दिया, क्योंकि उसमें तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकल और थ्योरी में आप लोगों को फेल कर दिया। भरते रहिए रीचेकिंग, भरते रहिए आप कंपार्टमेंट, और जो मर्जी करना है वो कर लीजिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिकल को इतना आसान मत समझिए, इतना हल्के में मत लीजिए, और प्लीज़ प्रैक्टिकल को बनाते समय मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को फॉलो कीजिए, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा और आप एग्जाम में पास भी हो जाएंगे। डायोजेड एकेडमी पूरी तरीके से कोशिश ये करता है ताकि आप लोगों जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएं और जो है आप लोगों का साल खराब ना हो जाए, ऐसा ही हमारा प्रयास रहता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल भी हम अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे। हमारे द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल को आप कॉपी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी वीडियो कोई दिल्ली में देख रहा है, कोई यूपी में देख रहा है, कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में, कोई बंगाल में, कोई पश्चिम, जहाँ से भी हो देश के हर कोने में वो बच्चा देख रहा होगा, तो ऑफकोर्सली सबके जो प्रैक्टिकल हैं वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी एक जैसा प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। पहली बात, आप लोग जब मेरे द्वारा दिए गए प्रैक्टिकल को जब उतार लें तो उस प्रैक्टिकल फाइल को आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। उससे ये मत कीजिए कि मैंने ये प्रैक्टिकल फाइल बना ली है, ये लो आप भी तैयार कर लो, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। कोशिश ये कीजिए आपकी प्रैक्टिकल फाइल आप तक रहे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, जिससे कि आप लोगों की जो है प्रैक्टिकल फाइल मैच करे। प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ एक होता है वाइवा, 3 मार्क्स का होता है। वो जो 3 नंबर के मौखिक प्रश्न होते हैं आपके प्रैक्टिकल फाइल के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसकी पहले ही वीडियो तैयार कर दी है। जो भी मैं आप लोगों को अब साइंस का प्रैक्टिकल करवाऊंगा उसकी मैंने 2 वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी है। उन दोनों वीडियो के अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों हैं, आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए, प्रैक्टिकल लेके जाइए और आप लोगों से उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं उसी के अंदर से आपसे पूछा जाएगा। आप लोगों ने ऑलरेडी याद कर रखा है तो आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल हमारा, क्वेश्चन आंसर भी दिए हमने,
तैयार बस आपको करना है और अच्छे नंबर लेके आने हैं। पेपर की भी तैयारी आप लोगों को मैंने बताया था कि हम ही करवाएंगे, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे, पेपर कैसे देना है, कैसे बैठना है, क्या लेके जाना है, किस चीज़ों को इग्नोर करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी बातें आप लोगों को दाई विजिट अकेडमी की तरफ से बताई जाएगी। बीच में मैंने 2-3 क्लासें मिस कर दी हैं आप लोगों की, वो इसलिए ताकि मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल अपने वादे के मुताबिक बना सकूं, और जो है वो मैंने कर भी दिया है। अब आप लोगों की कल से कंटिन्यूस क्लास मैं लूँगा, जिसमें आपको मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पेंटिंग और डाटा एंट्री सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचरों के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। तो आइए अब मैं आप लोगों को आपका साइंस का प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आपको कैसी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार करनी है। ये देखिए, ये है वो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल, देख पा रहे हैं। कलर मैंने जो है वो येल्लो यूज़ किया है, लाइट येल्लो कलर यूज़ किया है, और इसके अंदर आपको लिखना क्या क्या है वो देख लीजिए। आपको लिखना है NIS ओपन, उसके बाद लिखना है आपको पेपर कोड, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, एनरोलमेंट नंबर, AI नंबर, AI मतलब सेंटर कोड नंबर, और जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल, ये ऐसे लिख के डेकोरेट करके मैंने सिंपल सिंपल ये बना दिया है ताकि आप लोगों को समझाने में मुझे किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। आप बहुत अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं, मैंने बहुत कम समय में 5 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे पढ़ाना भी होता है और आप लोगों की प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी होती है, तो मैं 1.5 घंटा रोज इसको देता था और आप लोगों के सामने ये तैयार है। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा अच्छे से बनाइए, और जो है आप देखेंगे आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो आइए इसको हम एक एक करके पेज बाय पेज देख लेते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर जो आप चित्रों का उपयोग करेंगे वो पेंसिल से करें, कभी भी वो फाइल यूज़ ना करें जैसे आपने मान लीजिए कोई 10-20 रुपए वाली कॉपी ली और उसमें लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ऐसा। बाकायदा एक फाइल लेनी है, फाइल आपके ऐसी होनी चाहिए, 1 साइड लाइन, 1 साइड प्लेन, जैसे साइंस की प्रैक्टिकल की। और हाँ, क्लासमेट की प्रैक्टिकल की फाइल आपको बोलनी है, आपको वो दे देगा। थोड़ी मोटी लीजिए, मैंने पतली ली है क्योंकि मुझे एक ही जो है थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल के तौर पर बताना था। आप थोड़ी मोटी लीजिए ताकि आप अच्छे से खुल्लम खुल्ला उसको लिख सके। मेरी राइटिंग आपको पता ही है, TMM में मैंने आपको दिखा रखी है, उसके लिए खेद भी है। तो आप थोड़ा अच्छे से लिखिए, खुल्लम खुल्ला लिखिए, कलरफुल पेनों का यूज़ कीजिए, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। और हाँ, जितना अच्छा हो सके उतना डेकोरेट कीजिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि डेकोरेशन के अंदर आपको किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है। कंजूसी का मतलब ये है कि कई बच्चे कहते हैं कि जी एक ब्लैक पेन ले लेते हैं, एक ब्लू पेन ले लेते हैं और लिख मारते हैं, बहुत है। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ये नंबर आप लोगों को, ये वक्त आप लोगों को बार बार नहीं मिलेंगे। जितना अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं, जितना पैसा इसमें लगा सकते हैं लगाइए, जितनी सुंदर बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। और बस यही आप लोगों से उम्मीद भी है। मैं आप लोगों को एक एक पेज करके दिखाऊंगा, और जाते जाते मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ कि आप इसकी जो है मैं आपको PDF और JPG जो फोटो है वो आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, मैं आप लोगों को PDF और JPG सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है इसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल फाइल फटाफट दिखा देता हूँ। ये देखिए, यह है वो प्रैक्टिकल की फाइल। इस तरीके से आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल का, चाहे आप इस तरीके से कलर ले सकते हैं, ग्रीन में, येलो में, जो भी आपको अच्छा लगे। और उसके बाद जो है मैंने कलर जो है वो येलो कलर का सिलेक्ट किया है। आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे, बस फाइल आपकी सुंदर बननी चाहिए। तो चलिए मैं आपको अंदर का दिखा देता हूँ, किस तरीके से आपको कंटेंट लिखना है और डेकोरेशन करके लिखना है। इसकी मैं आपको फिर बता देता हूँ, JPG और PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप सिर्फ ये देखिए आज इस वीडियो के अंदर कि प्रैक्टिकल की फाइल बननी कैसी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इसको पलटते हैं। इस तरीके की आपको एक फाइल लेनी है, और 40 से 50 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज़ उसमें कंजूसी मत कीजिएगा कि हम रजिस्टर में लिख लेते हैं या इस तरह का कुछ कर लेते हैं। आपको 10-20 रुपए का मुंह नहीं देखना है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चित्रों का यूज़ आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने तो फिलहाल इस तरीके से चित्र बनाए हैं, आपको पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं। और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपको कलरफुल पेन का यूज़ करना है ताकि फाइल जो है वो देखने में डेकोरेटेड लगे। इस तरीके से आपको फाइल तैयार करनी है। तो चलिए पलट लेते हैं पेज, ये देख लीजिए। ये पूरा मैं आप लोगों को एक एक फ़ोटो जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा PDF के अंदर तैयार करके, पूरी की पूरी फाइल। बस आप लोगों को करना ये है कि उतार लेना है और कुछ नहीं करना,
ठीक है, सारी मेहनत जो है दाई विजेट अकेडमी के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, वो करेंगे, आप लोगों को सिर्फ लिख लेना है कि देखिए निष्कर्ष। और ये देखिए टोटल आप लोगों को जो प्रयोग है वो 10 करने हैं, कोई 10 प्रयोग कर लीजिए वो इनफ है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है देखिए प्रयोग 3, ठीक है, और जब नेक्स्ट आप पेज पलटेंगे तो आप देख पाएंगे प्रयोग 4 के रूप में। जैसे मैं आपको अभी पलट के दिखाता हूँ, ये देखिए प्रयोग 3 था, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए चित्रों का उपयोग किस तरीके से करना है, और ये देख लीजिए बहुत अच्छे जो हैं, जितने अच्छे से आप चित्र बना सकते हैं वो बनाइएगा, कलरफुल पेजों का यूज़ कीजिए। ये देखिए आप, ये इस तरीके से आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चित्रों का उपयोग आपको करना है, ये झिल्ली वाला एक प्रयोग है आपका, ये देख लीजिए आप इस तरीके से प्रयोग 8, प्याज की ऊपरी परत की कोशिकाओं की स्लाइड बनाना और उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन करना, ठीक है, तो इस तरीके से है ये। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये 8 टोटल जो है आप लोगों को जो बनाना है वो 10 आपको प्रयोग तैयार करने हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से चित्रों का यूज़ करिएगा आप। जितने ज़्यादा चित्र होंगे आपकी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, आपकी प्रैक्टिकल फाइल उतनी ही अच्छी बनने वाली है। ये 10 नंबर का प्रयोग है और लास्ट प्रयोग आपका है, और ये हो गया फिनिश। ये देखिए टोटल फाइल आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरीके से आप जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक। पीछे मैंने कोई डेकोरेशन नहीं किया है, तो इस तरह के आपकी ये फाइल है। कल मैं आप लोगों को ये जो है JPG के अंदर दे दूंगा। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिकल फाइल इसलिए दिखाई ताकि आप लोग जो है वो सारा का सारा मटेरियल खरीद सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सारा मटेरियल खरीद के रख लिया होगा, या जिन बच्चों ने नहीं रखा है तो फटाफट शॉप पर कल जाएँ, सारा मटेरियल खरीदें, और जो है शाम को 10 से 11 के बीच में मैं आप लोगों को PDF फाइल अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि आप लोग जो है उसमें से देखकर या उसका प्रिंट आउट निकाल कर इस फाइल का और आराम से बैठ के बना लें। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आप प्लीज़ वो दो वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैंने इससे पहले बना रखी है, वो कुछ ऐसे करके होगी कि भाई NIS ओपन प्रैक्टिकल फाइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल फाइल के कौन कौन से हैं वो मैंने बना दिए हैं, ताकि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर बेस हैं। तो ये जब प्रैक्टिकल फाइल आप बना लेंगे, उन क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, तो मजाल नहीं है चेकर का कि जो है वो आप लोगों से कुछ दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लें और आपको कन्फ्यूज करें और आपके नंबर काटें। सेम चीज़ प्रैक्टिकल बनानी है, सेम क्वेश्चनों को रट के जाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, और जो है बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये जो मेहनत है, ये वीडियो है, बहुत अच्छी लगेगी, और जो है हमारे द्वारा किए गए काम की आप सराहना भी करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लेकिन हाँ